गुड इवनिंग बेटा। तो हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आज भी वी विल बी डिस्कसिंग द सेम थिंग। ओके, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और कुछ और प्रॉब्लम्स फाइन वी विल बी टेकिंग। ओके, लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम। नाउ दिस प्रॉब्लम इज सेइंग समथिंग गिवन था। ओके, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो अब क्या करेंगे? ठीक, इस पे नोड मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ नोड मेथड अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया? डॉट्स मार्क किए, सारे के सारे नोड्स मार्क करके उसको हाईलाइट किया। नोड्स को हाईलाइट करने के बाद उनको नेम दिया। ठीक है, अब नेम के बाद इसका इक्विवेलेंट जनरेट करता हूं। इक्विवेलेंट जनरेट करने के लिए कहां से स्टार्ट होगा? मुझे फाइंड करना है सी ए बी, कैपेसिटी बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। ये आपका ए है और ये आपका बी है। डन। तो अब कहां से? ए से स्टार्ट होगा। ए जो है हमारा वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू जे है। जहां ए लिखेंगे वहीं जे लिखेंगे। ए डायरेक्टली कनेक्टेड टू जे। ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है? जे से दो वेज है मेरे पास। वन इज गोइंग टू पी और अनदर इज गोइंग टू एच। तो इन द सेम वे जे से टू वेज बनाए मैंने। वन गोइंग टू पी और जे से सेकेंड वे इज गोइंग टू एच। ठीक है, ये एच तक दूसरा वे आ गया। अब जे से पी तक जो कैपेसिटर लगा दैट इज 4 माइक्रोफैरेड, और जे से एच तक जो कैपेसिटर लगा दैट इज 8 माइक्रोफैरेड। अब पी से प्रोसीड कर रहा हूं, एच और पी के बीच में 15 माइक्रोफैरेड, एच और पी के बीच में 15 माइक्रोफैरेड। ओके, 15 माइक्रोफैरेड। उसके बाद पी से प्रोसीड करते हैं, पी से क्यू, पी से क्यू इज 6 माइक्रोफैरेड। ओके, पी से क्यू इज 6 माइक्रोफैरेड और अदर इज एच टू क्यू। फाइंड एच टू क्यू, एच टू क्यू 12 माइक्रोफैरेड। इज इट ओके? और जहां क्यू है वहीं बी है। तो ये इसका इक्विवेलेंट बन गया क्यू एंड बी से। ठीक है बेटा। नाउ अगर हम बात करें सर्किट एनालिसिस की, तो इस तरह का सर्किट जब भी बनता है, चार कैपेसिटर लगे, C1, C2, C3, C4, ओके? इस तरह का सर्किट जब भी बना हो, चार कॉर्नर हैं, अब इसमें चार कॉर्नर में से दो के अक्रॉस सप्लाई लगा हुआ है और दो के बीच में इट में बी अ गैल्वेनोमीटर, ओके, इट में बी द सेम एलिमेंट, इट में बी अ वोल्ट मीटर, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं ब्रिज रूल। ब्रिज रूल, ओके? तो अब ये ब्रिज रूल होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, ब्रिज रूल, दिस इज अ ब्रिज सर्किट, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3, दिस इज योर C4। चार कैपेसिटर्स जॉइंट लाइक दिस, ओके, एंड बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स सप्लाई इज अटैच्ड, एंड बिटवीन दीज टू टर्मिनल इट इज अ कैपेसिटर, इट मे बी अ गैल्वेनोमीटर, इट मे बी अ वोल्ट मीटर और एमीटर, वट एवर है। ठीक है, तो इन दो रिमेनिंग दो के बीच में, ठीक, अब रूल क्या कहता है वो देखो। ब्रिज रूल सेज इफ C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4। ये मिडल आर्म होती है, इस मिडल आर्म के अक्रॉस जो आर्म्स हैं उनका रेशियो C1 by C2, C3 by C4। अगर ये रेशियो बराबर होंगे, इफ दीज रेशियोज विल बी इक्वल, ओके, देन
potential at P will be equal to potential at Q. Hope this is clear. क्या बोला मैंने? If the ratio across middle arm, ratio of capacitances across middle arm, C1 by C2, C3 by C4 are equal, then potential at this point and potential at this point is equal. अब ध्यान देना, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल, दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बराबर है, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VPQ is equal to zero. मतलब मिडल आर्म के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू जीरो. आप क्या सोचते हो, क्या ये कैपेसिटर जो मिडल आर्म में लगा हुआ है ये चार्ज होगा? आंसर इज नो. तो जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, गॉट इट? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो व्हाट विल बी हैपनिंग? दिस विल नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट. ठीक, मतलब दिस इज नॉट टू बी टेकन इन टू अकाउंट वेन थिंकिंग ऑफ कैपेसिटी, वेन कैलकुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट. नाउ दिस इज योर जे, दिस इज योर एच, ए बी. ओके, अब इसका इक्विवेलेंट बनाए. ये लो, ए से शुरू किया, ए से शुरू किया, ए एंड जे एट द सेम पॉइंट, ए एंड जे एट द सेम पॉइंट. जे से दो रास्ते निकल रहे हैं, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस. ओके, जे से दो रास्ते निकले, जे टू पी, जे टू पी इज वन कैपेसिटर, जे टू पी इज वन कैपेसिटर, दैट इज C1. ओके, देन जे टू क्यू इज अनदर कैपेसिटर विच इज C3. ठीक, देन पी टू एच, एच इज द कॉमन टर्मिनल, क्यू टू एच, क्यू टू एच, पी टू एच, पी टू एच इज C3, पी टू एच इज C2, C2, क्यू टू एच इज C4, और ये आपका B और H दोनों कनेक्टेड टुगेदर, तो यहां पे PH आ गया. दिस इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, है ना? मैंने अज्यूम किया कि रेशियो बराबर है, तो रेशियो बराबर होने पे दिस विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपेसिटी, और जब इसको हटा दिया तो रिमेनिंग सर्किट मेरा ये बचता है. मतलब C1 C2 सीरीज में है, C3 C4 सीरीज में है, और दोनों का कॉम्बिनेशन फिर क्या बना रहा है? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है. ये पूरी आर्म की टोटल कैपेसिटी इन सीरीज, ये टोटल कैलकुलेट करो और उसके बाद ये दोनों पैरेलल. यहां से यू मस्ट बी ओके एबल टू विजुअलाइज कि कहां सीरीज है, कहां पैरेलल है. ठीक, तो अब वही प्रॉब्लम दोबारा से जो हमने अभी छोड़ा था. दिस वॉज द गिवन सर्किट, अप्लाइंग नोड मेथड हमने इसका इक्विवेलेंट जनरेट किया. दिस इज द इक्विवेलेंट. नाउ दिस इज दीज 5 कैपेसिटर्स, दे आर मेकिंग अ ब्रिज सर्किट. अब इसको चेक करते हैं कि इस ब्रिज सर्किट में बैलेंसिंग हो रहा है या नहीं, रेशियो बराबर है या नहीं. 4 दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, द रेशियो शुड बी इक्वल. नाउ दिस दैट इज 4 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफेरेड. ओके, एंड दिस रेशियो इज 8/12. ओके, तो दिस इज गिविंग यू 2/3, दिस इज गिविंग यू 2/3. मीन रेशियोज आर इक्वल. तो C1/C2, C3/C4 ऑल आर इक्वल. मीन द पोटेंशियल एट पी एंड एच विल बी सेम. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एच विल बी इक्वल टू जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस पी एच इज इक्वल टू जीरो. तो वेन पोटेंशियल डिफरेंस पी एच इज इक्वल टू जीरो, दिस कैपेसिटर विल नॉट बी चार्जिंग. दिस कैपेसिटर विल नॉट बी चार्जिंग मीन इट विल नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट. कैपेसिटर मीन्स दिस सर्किट विदाउट दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर, वॉट विल बी दैट? सी दैट नाउ. इस सर्किट से इक्विवेलेंट बनाया, यहां पे ब्रिज रूल अप्लाई हुआ. ओके, क्योंकि रेशियोज बराबर थे, मिडिल आर्म उड़ा दी, इट विल नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट. ओके, और यहां से इस पर्टिकुलर सर्किट से 4 और 6 सीरीज में, 4 और 6 सीरीज में, देन लोअर आर्म में 8 और 12 सीरीज में, 8 और 12 सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर उसके बाद दोनों पैरेलल में. ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसको. नाउ दिस इन सीरीज क्या होगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. मीन अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, ये बना C1 C2
है ना, सी टू प्लस सी वन वन बाय सी मीन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू, जब दो कैपेसिटर है, बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत डायरेक्टली नहीं, ठीक है। तो अब फोर एंड सिक्स इन सीरीज, फोर एंड सिक्स इन सीरीज आर मेकिंग ओके दिस कैपेसिटी, एंड एट एंड ट्वेल्व इन सीरीज ओके कितना बनाइए, 24 बाय 10 ओके 96 बाय 20 माइक्रोफैरेड माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये सिंगल बन गया, ये सिंगल बन गया, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं, इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये ऊपर वाला, ये 6 और 4 का, 6 और 4 का सीरीज बना 24 बाय 10 माइक्रो फैरेड ओके, 8 एंड 12 का सीरीज बना 96 बाय 20 माइक्रो फैरेड, दोनों पैरेलल में बिटवीन ए बी। तो अब इन दोनों पैरेलल में हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 20 डायरेक्ट सम 24 बाय 10 प्लस 96 बाय 20, सॉल्विंग दिस यू कैन हैव 36 बाय 5 माइक्रोफैरेड ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टेक वन मोर रिलेटेड प्रॉब्लम, हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, फाइन अगेन द सेम थिंग, ठीक, अप्लाई द नोड रूल विदाउट अ फियर, ठीक। इससे भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, तो बहुत सिंपल लेवल नेटवर्क्स हैं बेटा ओके, तो आराम से ध्यान से इनको सॉल्व करो, जब ये सिंपल वाले सॉल्व कर लोगे तो धीरे धीरे करके ओके वो जो डिफिकल्ट हैं वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, फाइन। तो ध्यान से काम करना। नाउ सबसे पहले नोट्स मार्क करेंगे, नोट्स ये तो ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये अपना डी ई एफ जी और उसके बाद बी, ठीक। नाउ अब ये नोट्स मार्क करने के बाद अब इसका इक्विवेलेंट जनरेट कर ले, इसका इक्विवेलेंट जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से, ए से स्टार्ट किया, ए और डी के बीच में 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है सी वन ओके, ए से डी के बीच में 50 माइक्रोफेरेड, ठीक सी वन। उसके बाद डी पे जब हम पहुंचे, डी से दो रास्ते निकल रहे हैं, वन इज गोइंग टू एफ एंड अदर इज गोइंग टू ई, ठीक, ये लो, वन इज गोइंग टू एफ एंड अदर इज गोइंग टू ई एंड अदर इज गोइंग टू ई ओके। नाउ डी टू एफ, डी टू एफ इज 5 माइक्रोफैरेड, ये 5 माइक्रोफैरेड है ओके, डी टू ई 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड ओके। नाउ ई टू एफ 50 माइक्रोफैरेड, ओके। नाउ एफ टू जी 10 माइक्रोफैरेड, 40 माइक्रोफैरेड, ई टू जी 40 माइक्रोफैरेड ओके, एंड जी टू बी द सी 6 50 माइक्रोफैरेड, जी टू बी 50
माइक्रोफैरड। अब शायद डाटा क्लियर हुआ हो। दिस पार्ट इज मेकिंग अ ब्रिज। नाउ लेट्स चेक कि रेशियो बराबर है या नहीं। ओके चलो चेक करते हैं। दिस इज 5/10। ओके 20/40। यस ओके। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। नाउ बिटवीन डी एंड जी पहले सॉल्व करते हैं। बिटवीन डी एंड जी, डी एंड जी के बीच में रेशियो चेक करो। 5/10, 5/10 इज इक्वल टू 20/40। रेशियो बराबर है 1:2। दिस इज 2, 1/2, 1/2। ओके इट मींस दिस मिडल आर्म विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू कैपेसिटी। ठीक, फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक, इन दोनों, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और फिर ये दोनों आर्म्स पैरेलल में हो गए। ठीक है, नाउ सीरीज में 10 एंड 5 इन सीरीज बना रहे हैं अपना। ठीक है, 20 एंड 40। फिफ्टी बाय 15, और ये बना 15। ये दोनों वैल्यूज बेटा आ गई है। अब ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो दोनों का डायरेक्ट सम। नाउ पैरेलल में दोनों को, दिस 10/5 का सीरीज था, 20/40 सीरीज, उसके बाद दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में तो दोनों का डायरेक्ट सम, दोनों का डायरेक्ट सम बनेगा। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बन गया इसका 60, तो 200 800, तो ये बन गया बेटा 1000/60। ये वाला जो पोर्शन था 1000/60 सिंगल कैपेसिटर, उसके बाद ये वाला सीरीज में और ये वाला सीरीज में इधर। ठीक है, मीन जो फाइनल हमारा जो सर्किट बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। 50 माइक्रोफेरेड। ओके ये वाला A to D, उसके बाद इसका पूरे का इक्विवेलेंट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 1000/60। ओके एंड उसके बाद ये 50 सीरीज में। ओके इसको सीरीज में है, ये आपका ए, ये आपका बी। अब इनको आप सीरीज वाला रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज यू कैन हैव रिजल्ट। सबकी वैल्यूज प्लेस कर दी, 1/50, 1/1060 सीरीज में है, तो दिस। अब इसको सॉल्व करके व्हाट वी आर गेटिंग, सी दैट सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग टोटल कैपेसिटी एज 10 माइक्रोफैरेड। ओके तो जिस नेटवर्क का हमने टोटल कैपेसिटी फाइंड किया, व्हाट वाज दैट नेटवर्क, ये नेटवर्क था अपना, दिस वाज द नेटवर्क। ओके और इसका टोटल कैपेसिटी कितना आया आपके सामने, दैट इज 10 माइक्रोफैरेड। होप दिस इज क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।